हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वेक्टर्स के बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, और इंटरेस्ट आना चाहिए सबको इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपको इसी पे काम करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो खोलते हैं। ये हमने पिछले कुछ ऑपरेशंस करे थे, याद होगा आपको। कंट्रोल प्लस एल एंड लेट मी क्लियर दिस आल्सो। सो ओके, नाउ लेट मी सी दिस वेक्टर्स। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग वेक्टर्स बनाते कैसे हैं। पहले आपको यही पता होना चाहिए वेक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो मान लो मैंने एक लिया, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, इट्स आवर चॉइस, A1 लिया, और उसमें हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखो, आपको बता देता हूँ, पहले फिर बताता हूँ क्या है। 1, 2, 3, 4, 5। दरअसल ये मैंने किया क्या पता है, ये मैंने C मतलब होता है कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करा, जितनी भी ये चीज़ें थी सबको एक जगह कंबाइन करा, और सबको हमने किसको दे दिया, A1 को दे दिया हमने। ये C है, हमने ये जितनी भी चीज़ें थी इन सबको कंबाइन करा और हमने किसको दे दिया, A1 को दे दिया। मतलब हम लोग का एक वेरिएबल है A1, जिसके अंदर अब कितनी वैल्यूज़ हैं, एक दो, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ ज़रा A1 को, और फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, लेकिन मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ मतलब, और इसमें ये करता हूँ। तो देखो, ये तो आपको देखो A1 की जितनी वैल्यूज़ थी, ये थी आपकी A1 की कुछ वैल्यूज़, ये देखो आपको सब सब दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यही करते हैं। वेक्टर्स का मतलब सिंपली हम लोग वेक्टर्स जो क्रिएट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, और वेक्टर्स के साथ जो करना होता है वो हम लोग ये ऐसे हमारा आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि मान लो हम लोग ऐसी स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। मान के चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। चलो दिखा देते हैं। A2 मान लो मैं ले रहा हूँ एक, तो फिर A2 हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें मैं लिख रहा हूँ, मान के चलो एक डबल कोट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, तो मान लो मैं लिखा शिवांग, शिवांग, और यहाँ पे लगाया एक कॉमा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे लगाया एक कॉमा, और यहाँ पे ले लिया हेलो। इज डेट ओके? हेलो जैसे ही लेंगे तो ये, और हम लोग नीचे A2 को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मान के चलो हम इतना यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो रन कराया, देख रहा आपने, ये देखो। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही होगी, यहाँ पर देखो जो इस तरफ जो आपका ये A1 और A2 है, ये दोनों ही देखो नम करेक्टर दिख रहे हैं। देखो इसने क्या करा, ये दरअसल होता क्या है, जो 1:5 दिखा रहा है मतलब 1 से लेकर 5 तक, और ये 1:2 मतलब दिखा रहा है कि आपने दो वैल्यूज इसमें डाली हैं, 1 और 2। जैसे कि देखो हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं दरअसल ये। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, अभी रुक जाओ वो बाद में आएंगे, लेकिन अभी पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये नम और करेक्टर क्यों बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ। तो एक चीज़ जो है यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं लिखता हूँ A1, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे दूँ इसको कुछ इस तरह से, 1:5। ठीक है, तो देखो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ये आएगा, A1 मान लो मैं प्रिंट करा देता हूँ, तो देखो सेम चीज़ें आ जाएंगी जो हमने ऊपर प्रिंट कराई थी, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें होता क्या है आखिरकार, है ना। तो A1, A2 ऐसे आप अपनी वैल्यूज़ यहाँ प्रिंट करा सकते हो, और 1:5 का मतलब होता है कि आप 1 से लेकर 5 तक कॉन्सिक्यूटिव नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है, सबको क्लियर है वेक्टर्स कैसे बनाना है। वेक्टर्स बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, वेक्टर्स बनाना क्लियर पहले होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और ये पता होना चाहिए कि ये देखो यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ देखो ये A1 जो है ये इन टाइप का है, और A2 जो है करेक्टर टाइप का, ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते हैं, इसलिए ये अपने आप ही पहचान जाते हैं कि कौन सा करेक्टर कौन सा इंटीजर है। इसके बाद देखो यहाँ पर मान लो अब हम लोग कह रहे हैं A1, मान लो मैं यहाँ कर्सर ले आऊँ, तो A1 अगर मैं यहाँ पे इंटू कर दे रहा हूँ, मान के चलो मैं कह रहा हूँ A1 को मैं इंटू कर रहा हूँ 2 से, देखें आउटपुट क्या आएगा। जैसे ही मैंने A1 को इंटू करा, तो जितने भी वेक्टर्स थे, देखो वेक्टर्स का फ़ायदा पता चला क्या हुआ, इतने सारे नंबर मान लो यहाँ पे लाखों नंबर हैं, और तुम्हें सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और आपकी एक लिस्ट बनी हुई है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली A1 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो देखो पूरे नंबर आपके 2 से मल्टीप्लाई होकर देखो आपका आउटपुट क्या आया, 2 से मल्टीप्लाइड आया। तो यही फ़ायदा है
टू से अगर आप कोई भी लिस्ट या कोई भी वेक्टर बनाते हो तो ठीक है, यही चीज़ होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, ए वन की पावर, पावर लगाते हैं भाई, पावर, तो पावर लगाते हैं इसकी, पावर मान लो हमें लगाया 6, ठीक है भाई, 6 पावर बहुत होती है। देखिए ज़रा आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखिए 164,729, 496, 1500, 200, 625। तो यही कुछ होता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। और इन वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग इतना कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, SQRT, ठीक है, SQRT मान लो हमें निकालना था किसका, A1 का, ठीक है। तो बहुत सिंपल, ये देखो SQRT सभी वैल्यूज़ का निकल आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ का आराम से निकल आया SQRT, मतलब स्क्वायर रूट। ये भी देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एक और बता दिया, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ये भी एक फंक्शन होता है SQRT, जिसमें हमने A1 की वैल्यूज़ में का हम लोगों ने स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल लिया है। और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हम लोग को ये चीज़ पता चल गई कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है यहाँ पर, यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है। जैसे कि मान लो मैं A3 ले रहा हूँ एक वेरिएबल, और A3 में मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, -65:-103, ठीक है। मान लो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, देखो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, A3 को प्रिंट करा देते हैं। अब देखो आउटपुट देखना, ये देखो इतने सारे नंबर, ये देखो, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी होता है, सभी वैल्यूज़ के लिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेक्टर्स का यही फ़ायदा होता है। हमने मैं इस स्लाइड में सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि हम लोग वेक्टर्स बनाते कैसे हैं, ठीक है, करेक्टर का भी वेक्टर कैसे बनाते हैं और उनको यूज़ कैसे करना है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बताया SQRT, ये आप लोग को ध्यान रखना है, और हमने बता दिया नेगेटिव वैल्यूज़ को भी ये प्रिंट करा सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं, 1:5 है जैसे कि, तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हाँ तो सब कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें इस स्लाइड में, चलिए तो एक फंक्शन और बता देते हैं आप, दरअसल एक फंक्शन कम लग रहा है ना, एक और फंक्शन हम लोग बताते हैं इस स्लाइड में, तो देखें लेंथ वेक्टर की कैसे कैलकुलेट करनी है। मान के चलो हमें पता करना है कि जो A1 है, मान लो ये A2 है, A2, ठीक है, A2 में हमने तो कोई फंक्शन लगाया या इस पे लगाया, तो A2 की लेंथ कितनी है मान लो हम लोग को निकालनी है, ठीक है, मतलब A2 के अंदर कितने वेक्टर्स हैं हम लोग को ये निकालना है। मान लो हम लोग को एक स्लाइड, एक चीज़ दे दी गई, एक एक्सेल की फाइल दे दी गई, अब हमसे कहा गया वहाँ पे लाखों करोड़ों आइटम्स है, ऐसे ही वेक्टर में बने पड़े। अब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा भाई, वरना नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने आखिर है वहाँ पे। तो उसको निकालने के लिए एक फंक्शन होता है, ध्यान से देखना, LEN GT, जी टी, देखो आ गया लेंथ, लेंथ को आप सिंपली लिख कर यहाँ पे A2 लिख दीजिए, ठीक है, और ये आपका देखो आउटपुट दे दिया इसने, लेंथ जो A2 की है, जो A2 की लेंथ है वो 2 है, ठीक है। A2 की लेंथ कितनी है यहाँ पर, 1 और ये 2, तो यहाँ पर भी देखो लिख गया 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल है सब कुछ, वेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपको समझ ही आ चुका होगा अब तो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मान लो अगर हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया, हाँ तो ठीक है, चलो A1 मान लो मैंने कहा आपको ये चेक करना है, पहले मैं कंसोल को एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ ढंग से क्लियर हो जाए। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनना, A1 <5 में लिख रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है किससे कंपेयर करेगा? A1 में तो भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो कंपेयर किससे करेगा भाई? ये सबसे कंपेयर करेगा, ठीक है, ये सबसे, मान लो यहाँ पे 5 ना लेकर मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, अभी किस किस से कंपेयर करेगा? ये सबसे कंपेयर करने वाला है भाई, देखो यहाँ पर। अब मान लो मैं इसको रन करा दूँ, देखो पहली वैल्यू ट्रू, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तीसरी वैल्यू फॉल्स, भाई इक्वल टू भी है वहाँ पर, अगर मैं यहीं पर इक्वल टू भी लगा देता हूँ तो क्या होगा? तब देखो क्या होगा, तब यही चीज़ देखो, फॉल्स का ट्रू हो गया, ये देखो फॉल्स, ये देखो फॉल्स, कितना सिंपल है सब कुछ, ठीक है। तो
यहाँ पर भी हम लोग आराम से फंक्शन लगा सकते हैं ये सब। ये यहाँ पे एक लेंथ हमने एक और फंक्शन पढ़ लिया यहाँ पर, जो कि हमने A2 पर लगा के देख लिया, मतलब कितने भी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के लिए निकाल सकते हैं क्या कह रहे हैं वहाँ पे वेक्टर्स कितने हैं। और हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात अगर हमें कंपेयर करना है कि इसके इक्वल, मतलब मान लो हमने कोई एक्सेल फाइल दी, अब हमें दिखाना था कि इसके इक्वल किसी कोई चीज़ है, अब हमें उसके इक्वल कितनी चीज़ें होंगी, तो हम आराम से दिखा सकते हैं कि हाँ इसके इक्वल इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें ट्रू हैं, इतनी चीज़ें फॉल्स हैं, हम लोग आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिर। तो यही चीज़ है आपका आर, ये बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को भी छोटी सी चीज़ में बनाना। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा आर में, क्योंकि अब आप लोग को नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और आगे चल के आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी तो ये सिर्फ मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया है, वेक्टर्स के बाद आपको और भी चीज़ें पढ़ानी है, अभी और भी चीज़ें पढ़नी है आप ही लोग को। मैं तो सिर्फ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप लोग को तो पढ़ना है। तो इसमें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आगे हम लोग जो अगला बनाएंगे वो डेटा फ्रेम पे बना लेंगे। अभी हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं आई थिंक, है ना, कर लेनी चाहिए। तो चलो ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा ए कुछ है वेरिएबल, और मैंने कहा कि इसमें मैं कुछ स्टोर करा रहा हूँ, वन से वन, सॉरी, वन से 10 तक। ठीक है, समझ गया ना, ये मैंने मान लो यहाँ पर स्टोर करा दिया है। ठीक है, 1 से 10 तक। अब मैंने क्या कहा कि मुझे इसका कोई, मतलब मान लो मैंने कहा कि मुझे ए का ही जैसे 1 से लेकर 10 तक है, तो मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे इसमें कोई बीच का नंबर चाहिए। मान के चलो मैंने कहा मुझे 5 चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, वो निकाल के दे दो। तो वो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, तो अगर उसके अंदर 5 होगा, ठीक है, तो फिर वो 5 निकाल, तो वो निकाल के दे देगा, नहीं होगा तो क्या करेगा। उसका फिफ्थ नंबर, मतलब ये 5 मतलब ढूंढना नहीं है इसमें से, वो कह रहा है इसका फिफ्थ नंबर पे पहुंचा हुआ, फिफ्थ नंबर पे जो भी उसे निकाल के दे दिया। मान लो मैं कह रहा हूँ ए ए 11, ठीक है, ए 11th निकाल के दो, तो वो नॉट अवेलेबल, देखा नॉट अवेलेबल उसने दिखा दिया। अच्छा मान के चलो मैं कह रहा हूँ ए, अब मैं कह रहा हूँ, नहीं कंसोल में क्यों जाता है यार, अब मैं कह रहा हूँ जो ए है वो कुछ वैल्यूज़ हैं उसकी, मान के चलो मैं कह रहा हूँ 65 से लेकर इतने तक। ठीक है, इतने तक इसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इतनी सारी वैल्यूज़ है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ए का 56 नंबर निकाल के दिखाओ कौन सा होगा। ठीक है, 56 नंबर मुझे निकाल के दिखाओ कि भाई कौन सा होगा। तो फिर वो ढूंढ रहा है, देखो ये होगा 120। ठीक है, वो ज़्यादा से क्लिक नहीं हुआ था उस पर, तो 120 इसका होगा 56 नंबर, आप देख भी सकते हो काउंट करके देखे ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1000 नंबर कौन सा होगा, तो फिर से वो नॉट अवेलेबल दे देगा, भाई सब जानते हैं, है ना, ये देखो नॉट अवेलेबल। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम लोग सीधे जाएंगे डेटा फ्रेम पे, जहाँ पे हम लोग स्प्रेडशीट बनाना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, अगला ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लो यार। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।